काशीपुर में राष्ट्रीय लोक दल उत्तराखंड का साप्ताहिक कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर किया गया। काशीपुर में राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हर्षभान सिंह ने सैनिक कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय पर आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक की। अध्यक्ष चौधरी हर्षभान सिंह ने शहर की समस्याओं को लेकर कहा कि राष्ट्रीय लोक दल पार्टी का उद्देश्य बेरोजगारी की समस्याओं को दूर किए जाने, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना, किसानों की बढ़ती समस्याओं के साथ हमेशा खड़े रहने के साथ साथ ऐसी सैकड़ों समस्याएं जिसमें लोग परेशान हैं, जिनको लेकर राष्ट्रीय लोक दल पार्टी लोगों की भलाई के लिए काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इस बार आने वाले मेयर और पार्षदों के चुनाव में पूरी मजबूती के साथ सभी वार्डों के राष्ट्रीय लोक दल पार्टी अपने सदस्य को खड़ा करेगी। राष्ट्रीय लोक दल राष्ट्रीय पार्टी है। इसके अलावा पार्टी के विस्तार के लिए प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में अमित गुप्ता को कुमाऊं मंडल का उप सचिव, प्रवेश कुमार को उपाध्यक्ष कुमाऊं मंडल व्यापार प्रकोष्ठ बनाया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हर्षभान सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन मनोज कुमार शर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष विनय कुमार शर्मा, कुमाऊं मंडल उपाध्यक्ष धनंजय सिंह, कुमाऊं मंडल महासचिव विनोद कुमार यादव एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। हमारी जो पार्टी है किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की, युवाओं की, व्यापारियों की, ये सब इन लोगों की पार्टी है और इन लोगों के ही हम मुद्दे उठाना चाह रहे हैं। जैसा किसान का है, गन्ने का रेट नहीं मिलता, किसान एक साल गन्ना बोएगा फिर अगले साल डालेगा, उसके अगले साल पेमेंट होता है, ये सब सिस्टमों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हमारे मोदी जी ने नारा दिया था अब की बार सीटों के लिए, अब की बार 400 पार। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये मुद्दा उठाया था मेरठ की जनसभा में कि अब की बार गन्ना भी 400 पार, उससे किसानों को खुशहाली आएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।